माफ करना, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। और अगर तुम ये सोच रही हो कि यहाँ मैं तुमसे बदतमीजी, तुम्हें परेशान करने या तुम्हें छेड़ने आया हूँ, तो तुम गलत सोच रही हो। या तो मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ, पहले तुम्हारे पीछे आना, तुम्हें आई लव यू बोलना, और यहाँ तक कि तुम्हारे घर तक पीछे पीछे आना। ये सब जो भी मैंने किया, ये सब मेरे प्यार का जुनून था। लेकिन अब जब तुम्हारी शादी हो ही गई है, तो मैं आपके लिए एक शादी का गिफ्ट लाया, ये लो। अरे मना मत करो, प्लीज लो। और हाँ, एक बात और, क्या हम पिछली सारी बातों को भुलाकर फिर से एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते?